हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने MT125 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ये बाइक कब लॉन्च होगी, इसका क्या प्राइस होगा और क्या इस बाइक के फीचर्स होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा MT125 के बारे में। इस बाइक की लॉन्च डिटेल्स, प्राइस, फीचर्स, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यामाहा ने MT125 को 2019 में ही इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर दिया था, और तभी से ये एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई थी कि क्या ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं। सो दोस्तों, यामाहा ने अभी तक इस बाइक के लॉन्च के बारे में कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है। यामाहा ने अभी तक इस बाइक के बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर कोई भी अपडेट नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, यामाहा ने MT15 को 2018 में इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया था, और उसके बाद 2019 में ये बाइक इंडिया में भी लॉन्च हो गई थी। सो दोस्तों, MT125 के केस में भी ऐसा हो सकता है कि ये बाइक 2020 तक लॉन्च हो सकती है। सो दोस्तों, इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर 2020, और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,10,000। दोस्तों, यामा के पास इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कोई भी 125cc सेगमेंट की प्रीमियम बाइक नहीं है, और KTM की ड्यूक 125 और RC 125 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो यामा को MT125 इंडिया में जरूर लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक ड्यूक 125 को कड़ी टक्कर दे सकती है। दोस्तों, MT125 की स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 124.7cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 14.5 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 12.4 Nm का विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों, MT15 के जैसे ही MT125 में भी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन है और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच है, जिसकी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। दोस्तों, डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो MT125 का वेट है 138 kg, फ्यूल कैपेसिटी है 10 लीटर्स की, और सीट हाइट है 810 mm। सो अपनी सेगमेंट के अंदर इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है, और ये बाइक शॉर्ट राइडर्स और लॉन्ग राइडर्स दोनों के लिए काफी कंफर्टेबल है। दोस्तों, MT125 भी डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है, और इस बाइक के इंटरनेशनल मॉडल के अंदर 41 mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है, और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो इसके अंदर MT15 के जैसे ही कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होंगे और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 282 mm की फ्रंट डिस्क है, 220 mm की रियर डिस्क है। इंटरनेशनल मॉडल के अंदर ड्यूअल चैनल ABS है, लेकिन इस बाइक के इंडियन वेरियंट के अंदर सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, यामाहा की MT125 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, अपनी सेगमेंट के अंदर ये बाइक काफी अच्छी प्रीमियम बाइक है। सो ये बाइक ड्यूक 125 को काफी अच्छी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इस बाइक का प्राइस ड्यूक 125 से कम ही रहने वाला है। और दोस्तों, इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, क्योंकि MT125 की टॉप स्पीड है 120 km/h। दोस्तों, यामाहा अगर MT125 को इंडिया में लॉन्च करती है तो इस बाइक में हमें BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, और पावर और टॉर्क आउटपुट में भी कुछ माइनर चेंज हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल यामाहा MT125 के बारे में। इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर 2020 और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,10,000। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।